दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जब आत्मा एक शरीर को त्यागने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और एक नया जन्म लेती है तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। दुनिया के कई मजहब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कुछ इस बात को सिरे से नकार देते हैं। आज इस वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ और रहस्यमयी घटनाओं से रूबरू करवाएंगे। न्यूयॉर्क में रहने वाली 26 वर्षीय रैशल ग्रैंड को ये अलौकिक अनुभूति हुआ करती थी कि वह अपने पिछले जन्म में एक डांसर थी और यूरोप में रहती थी। खोज करने पर पता चला कि यूरोप में आज से 60 साल पहले स्पेन में उसके बताए गए के मुताबिक एक डांसर रहती थी। रैशल की कहानी में सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह वर्तमान में भी एक डांसर है और उसने बिना किसी के मार्गदर्शन या प्रैक्टिस के डांस सीख लिया था। पुनर्जन्म की एक और घटना अमेरिका की है। यहां एक अमेरिकी महिला रोजनबर्ग बार बार एक शब्द जैन बोला करती थी, जिसका मतलब ना तो वह खुद जानती थी और ना ही उसके आसपास के लोग। साथ ही वह आग से बहुत डरती थी। पैदाइश से ही उसे उसकी उंगलियों को देखकर यह लगता था कि जैसे वह कभी जली हो। एक बार जैन धर्म से संबंधित एक सेमिनार में उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी, जिसके अनुसार वह भारत के एक जैन मंदिर में रहा करती थी और आग लग जाने से उसकी मौत हो गई। जापान जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। 10 अक्टूबर 1815 को जापान के नकावो म्यूरा नाम के गाँव में केन्जो किसान के घर एक लड़का हुआ। उसका नाम केट्सुगेरो रखा गया। जब वह 7 साल का हुआ तो उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम टेजो था और उसके पिता का नाम क्यूबी, बहन का नाम फूसा और माँ का नाम शिडजू था। 6 साल की उम्र में उसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसने कई बार ये कहा कि वह अपने पिछले जन्म के पिता की कब्र देखने होडो क्यूबो जाना चाहता है। उसकी दादी उसे होडो क्यूबो ले गई। वहां जाते समय उसने एक घर की ओर इशारा किया और बताया कि यही पिछले जन्म में उसका घर था। पूछताछ करने पर ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। केट्सुगेरो ने यह भी बताया कि उस घर के आसपास पहले तंबाकू की दुकानें नहीं थी। उसकी ये बात भी एकदम सही निकली। थाईलैंड में स्याम नाम के स्थान पर रहने वाली एक लड़की को अपने पिछले जन्म के बारे में ज्ञान होने का वर्णन मिलता है। एक दिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके पिछले जन्म के माँ बाप चीन में रहते हैं और वह उनके पास जाना चाहती है। उस लड़की को चीनी भाषा का अच्छा ज्ञान भी था। जब उस लड़की की पिछले जन्म की माँ को ये पता चला तो वह उस लड़की से मिलने स्याम आ गई। लड़की ने अपनी पिछले जन्म की माँ को देखते ही पहचान लिया। बाद में उस लड़की को उस जगह ले जाया गया जहां वह पिछले जन्म में रहती थी। उससे पिछले जन्म से जुड़े कई ऐसे सवाल पूछे गए और हर बार उस लड़की ने सही जवाब दिया। लड़की ने अपने पिछले जन्म के पिता को भी पहचान लिया। साल 1963 में श्रीलंका के बाटापोला गांव में रूबी कुसुमा पैदा हुई। उसके पिता का नाम साइमन सिल्वा था। रूबी जब बोलने लगी तो वह अपने पिछले जन्म की बातें करने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में वह एक लड़का थी। उसका पुराना घर वहां से 4 मील दूर अलूथा वाला गांव में है। वह घर बहुत बड़ा है। उसने ये भी बताया कि पिछले जन्म में उसकी मौत कुएं में डूबने से हुई थी। रूबी के पुराने माता पिता को ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं था। उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा करुणा सेना 1956 में मरा था।
दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।